हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शेर पंजाब टी20 कप की फर्स्ट सेमीफाइनल मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर BLV ब्लास्टर्स वर्सेस त्रिदंत स्टेलियंस के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नज़र कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान और वाइस कप्तानशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप सकते हैं। सारे डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ से आपको वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया, वर्ल्ड कप क्वालिफायर अफ्रीका और इसके साथ साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर EAP के भी वीडियो मिलेंगे। तो सारे अच्छे मैचेस हम लोग कवर कर रहे हैं और इसके लिए आप लोग को यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही मैं टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे भी आने वाली सारी अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच दोपहर में 2 बजे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ पर बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है। देखो रन यहाँ पर अच्छे बनते हैं, हालांकि शुरुआत की कुछ मैचेस के अंदर इतने अच्छे रन नहीं बने, शुरुआत के मैचेस के अंदर अच्छे रन बने, यहाँ पर 200, 190, 180 के पास बने, इसके बाद कुछ खास रन नहीं बन रहे थे। लेकिन कल SPS ने यहाँ पर 190 किए, तो यहाँ पर एक्सेप्टेशन यहाँ पर BLT से भी है, तो यहाँ पर BLT अगर पहले बैटिंग करवाएगी तो एक बड़ा स्कोर कर सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये मैच यहाँ पर कल भी इन दोनों ही टीम के बीच में मैच खेली गई थी, जहाँ पर BLT ने बाजी मारी थी। ओवरऑल यहाँ पर चेजिंग रिकॉर्ड में ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहा है। कल तो दोनों मैच यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, तो आई थिंक टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर BLT की। तो BLT का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है इस ग्राउंड के ऊपर इस टूर्नामेंट के अंदर 248 रन। ओवरऑल 10 में से 7 मैच जीती है और 3 मैच हारी है, लगभग टेबल टॉपर है। ओपनिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग में आपको दिखेंगे यहाँ पर सेहस धवन के साथ यहाँ पर निर्मल सिंह लास्ट मैच के अंदर खेले थे और इससे पहले वो पूरी टूर्नामेंट के अंदर खेले नहीं, इवन स्क्वाड में भी इनका नाम नहीं था। इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी रहेगी वो टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सेहस धवन विकेट कीपिंग सेक्शन से वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। निर्मल सिंह अभी के लिए हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, इनके ओवरऑल रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग देखेंगे। बाकी नमन धीर एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी। हालांकि पिछले कुछ मैचेस के अंदर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, लेकिन इसी टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने 2 सेंचुरी लगाई हुई है, ध्यान में रखिएगा ऐसे नमन धीर को। कुंवर पाठक वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है, रेगुलर यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनके अलावा से प्रेरित दत्ता भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, डेफिनेटली आप लोग इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, जो कि रिसेंटली बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से गजब का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आर्यन यादव रिस्की है, GL में ट्राई करोगे, लेकिन टॉप में बैटिंग करवा रहा है, प्लस ओवरऑल आंकड़े भी ठीक ठाक है, ओवर सभी तक करवाने, बाकी ओवरऑल 8 मैच के अंदर 8 विकेट भी हैं। बाकी किशन अलंग वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पर, बैटिंग और बॉलिंग जहाँ पर इनको मौका मिलता है वहाँ पर वो मौके को छोड़ते नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। लास्ट मैच के अंदर खेले, इसके पहले वो 2-3 मैच नहीं खेले थे। सुखदीप बाजवा इसके रहेंगे, GL में ट्राई करोगे, हालांकि ओवरऑल इनका भी कुछ मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि इनको बैटिंग ऑर्डर से ऊपर नीचे किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर 21, 20, 32, 18 जैसे स्कोर किए हुए हैं, इवन इस टूर्नामेंट के अंदर 2 बार विकेट भी निकाले हुए हैं, तो ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की तौर पर रिस्क लेना चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी भगत यहाँ पर लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, इसके पहले 3 मैच के अंदर लगातार विकेट निकाली थी, ध्यान में रख सकते हैं। अश्विनी कुमार इंपॉर्टेंस रहेंगे लास्ट मैच के अंदर, 1 ही ओवर की गेंदबाजी की, लेकिन ये 3-4 ओवर की गेंदबाजी पूरी करेंगे। समीर खान लास्ट मैच के अंदर हमारे लिए पंट प्लेयर थे, जहाँ पर इन्होंने 1 विकेट निकाला। ओवरऑल देखो यहाँ पर 3-4 गेंदबाजें जो कि लगभग यहाँ से पूरी ओवर्स करवाएंगे, जिसमें से अलंग है, अलंग के साथ यहाँ पर अश्विनी कुमार हैं, भगत हैं और समीर खान हैं, ये चारों प्लेयर्स आई थिंक यहाँ पर पूरी ओवर करवाने चाहिए। अश्विनी कुमार ने शुरुआत की मैचेस के अंदर स्टार्टिंग में डेथ में दोनों में गेंदबाजी की, लास्ट मैच के अंदर सिर्फ 1 ही ओवर की गेंदबाजी की, आई थिंक कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है, बाकी ये पूरी ओवर करवानी चाहिए थे। लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाजे और ओवरऑल विकेट टेकर गेंदबाजे, और इसी टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पर एक बार इन्होंने 4 विकेट निकाली थी, एक बार यहाँ से 2 विकेट निकाली, तो अच्छा नाम है यहाँ पर अश्विनी कुमार को, भरोसा कर सकते हैं यहाँ पर लेके जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ से KA भगत के साथ यहाँ पर प्रेरित दत्ता, डेथ ओवर्स में भी ये दोनों ही रहेंगे। बाकी यहाँ पर बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की, यहाँ पर TDS की बात करते हैं, तो TDS का लास्ट मैच के अंदर TDS कट गया BLT के सामने, तो आज ये बदला लेना चाहेगी, क्योंकि आई थिंक इस टूर्नामेंट के अंदर 2 बार ही हार चुकी है BLT से,
तो हमें बदला लेना जरूर चाहेगी। ओपनिंग में यहाँ पर सीवी रखेजा और उदय प्रताप सहरा ने यहाँ से ओपनिंग करवाए। सहरा ने पहली मैच के अंदर शुरुआत अच्छी की, 36 रन से शुरुआत की, लास्ट मैच के अंदर 9 रन की, ओवरऑल 10 मैच के अंदर करीबन 32 के एवरेज से 287 रन है। ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर रिस्क के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। रखेजा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, हालांकि इनका भी परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन भरोसा कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं निहाल वटेरा, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की डिफॉल्ट पिक रहेगी, इनको लेके जाना है हमें। हालांकि लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, लेकिन इसके पहले जहाँ पर ओवर्स करवाई थी वहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, और आई थिंक सेमीफाइनल जैसी मैच के अंदर यहाँ पर निहाल वटेरा जरूर रिस्क लेंगे, तो भरोसा कर सकते हैं। यहाँ पर सलील अरोरा विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, तो सलील को लेके जा सकते हो, वरना फिर जलील भी हो सकते हो, देख लेते हैं। हमारे पास 2 चॉइस हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, वो दोनों ही यहाँ पर तगड़ी चॉइस हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। बाकी गौरव चौधरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। इनके अलावा इससे बात करते हैं हर्षदीप सिंह की, तो हर्षदीप सिंह ने लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट लास्ट मैच के अंदर विकेट ले रहे, लेकिन बैटिंग से 24 रन किए। इसी टूर्नामेंट के अंदर 3 विकेट 2 विकेट जैसे परफॉर्मेंस दिए हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हैं पर हर्षदीप सिंह को। शाहबाज सिंह संधु, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो इस प्लेयर को मैंने स्पेशली मेंशन किया था, और मैंने जो टीम बनाई थी यहाँ पर वीडियो के अंदर जो टीम बनाई थी वहाँ पर भी हमारी टीम का हिस्सा थे यहाँ पर शाहबाज सिंह संधु, ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ा कारनामा कभी भी कर सकता है। एज अ प्लेयर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं, एक बार फिर से सजेसेबल है इनको, आप लोग एज अ प्लेयर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं। मानव वशिष्ठ जो कि पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाल रहे हैं, अच्छा कमबैक किया, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट दोनों मैच के अंदर कमबैक अच्छा किया, तो भरोसा कर सकते हैं। बाकी आर्यमान सिंह आपके लिए चॉइस बनेंगे, मैंने लास्ट मैच के अंदर आर्यमान सिंह को ड्रॉप करते हुए यहाँ पर किसको लिया था, तो यहाँ पर हमने शाहबाज सिंह संधू को लिया था, जो कि हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, तो आगे भी आप लोग ये रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर साहिल खान भी दिखेंगे, जिन्होंने एक विकेट निकाला था लास्ट मैच के अंदर, बाकी इससे पहले भी इन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, और ये भी हमारे लिए लास्ट मैच के अंदर ट्रम्प कार्ड ही रहे थे, तो आगे भी हम लोग इनके साथ कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर साहिल खान के साथ। बाकी अबीर कोहली का अभी तक ओवर्स करने का चांस नहीं मिल रहा है ज़्यादा, पहले मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की और दूसरे मैच के अंदर ओवर्स करने का चांस मिला ही नहीं, तो इसके लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे, तो हो सके तो इनको जीएल में ट्राई करिएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पर मानव वशिष्ठ के साथ साहिल खान, डेथ ओवर्स में पर ए सिंह के साथ यहाँ पर साहिल खान डेथ में डालेंगे, और बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी देखो बेंच में से कुछ प्लेयर खेल सकते हैं, जिसमें से एक है जैसे विहान मल्होत्रा, ये खेल सकता है, और या से गुर किरैट सिंह मन शायद खेल सकते हैं, और बाकी तो कुछ खास ऑप्शन है नहीं, ये दोनों प्लेयर खेल सकते हैं। बाकी तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना है, और कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर सिराज धवन हमारी टीम के अंदर रहेंगे, यहाँ पर आप लोग सलील अरोरा को भी ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर निहाल वटेरा के साथ यहाँ पर के पाठक रहेंगे, कुंवर पाठक हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर एस रखेजा को भी रिस्क के तौर पर मतलब सेफ रहेंगे, एस रखेजा को लेके जाना क्योंकि ओपनिंग करवा रहा है, मैंने कुछ रिस्क लिए हैं। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने 6 प्लेयर को लिया है, एक यहाँ पर नमन धीर है, इनके अलावा से गौरव चौधरी है, प्रेरित दत्ता है, हर्षदीप सिंह है, साहिल खान है, समीर खान है आई थिंक यहाँ पर समीर खान है, और यहाँ पर एस सिंह संधू है। समीर खान को आप लोग ड्रॉप करते हुए इनको ले सकते हैं, तो यहाँ पर रखेजा को ले सकते हैं, और बाकी तो अदर कोई ऑप्शंस नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में आर्यमन सिंह को लिया है, और यहाँ पर के अलंग को लिया है। यहाँ पर आप लोग ना इनकी जगह पर जैसे समीर खान की जगह पर यहाँ पर साहिल खान को भी ले सकते हैं, आई थिंक यहाँ पर साहिल खान को लेंगे हम लोग। बाकी अश्विनी कुमार है, भगत है, ये दोनों तगड़े प्लेयर हैं और कभी भी बड़ा कारनामा कर सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इनको। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान हमारे यहाँ से निहाल वटेरा रहेंगे, वाइस कैप्टन नमन धीर रहेंगे, आप लोग इनको रोटेट भी कर सकते हैं, मतलब कैप्टन नमन धीर को करके वाइस कैप्टन आप लोग यहाँ से वटेरा को कर सकते हैं। इनके अलावा एक और चॉइस है प्रेरित दत्ता, जो कि आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस बनेंगे, किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो इन तीनों प्लेयर में से, क्योंकि तीनों का ही सेम परफॉर्मेंस है, मतलब तीनों ही कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी को भी स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, कुछ बदलाव वगैरह रहेंगे तो वो लाइनअप के बाद ही मालूम पड़ेंगे, तो लाइनअप के बाद फाइनल टाइम के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि वहीं पर ही हम लोग हमारी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो अपडेट करेंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर मिलने वाले। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप करोगे क्या? देखो ये सेमीफाइनल जैसी मैच है, तो ज़्यादा कुछ बदलाव करेगी नहीं दोनों ही टीम, तो लगभग यही लाइनअप रहनी चाहिए, तो यहाँ से
वीडियो को आपने अगर अच्छा से देखा होगा तो आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके अपनी खुद की एक अच्छी टीम बना सकते हो, वही करना है। बाकी अच्छी खासी विनिंग करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।